नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक एंड चैट विद निविशा में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और आप अपने घर में सेफ हैं। दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें कोरोना हो चुका है और हॉस्पिटल से घर आ गए हैं रिकवर होकर, पर अभी भी उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब कोरोना होता है तो आपके शरीर को वो कमजोर कर देता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं काफी हद तक, इम्यूनिटी आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो डर रहता है छोटी मोटी बीमारियां और आपके लगने की। तो इन सबसे सेफ होने के लिए आप वापिस उभर सकें, आपकी बॉडी वापिस से बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए आपकी, उन सबके लिए जरूरी आपका उचित बिल्कुल सही टाइम पे और बहुत ही सही खान पान, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये वीडियो, प्लीज एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी आपको कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत है और आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए जिससे आपकी ये जो शारीरिक कमजोरी हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि आपको पूरे दिन में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने पोषक तत्व, क्या सारे तरह के पोषक तत्व आपकी बॉडी में आज गए हैं या नहीं गए हैं, आपने वैसा खाना खाया है या नहीं खाया है कि जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स आज आपने ले लिए हों पर डे के हिसाब से। दोस्तों, ये अगर आपको जब कोरोना हुआ है तो कुछ पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो आपकी बॉडी में पर डे जाना ही है। जैसे जिंक बहुत ज्यादा जरूरी है अभी आपके लिए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन सी मेन, तो ये सब चीजें जाए उस हिसाब से आपको आपका डाइट प्लान तय करना पड़ेगा। पूरे दिन में आपको ये न्यूट्रिएंट्स लेने ही पड़ेंगे अगर आपको आपकी शारीरिक कमजोरी दूर करनी है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है और इस कोरोना से आपको ऊपर आना है। तो आज का ये डाइट प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, ये सभी आपको एक तय मात्रा में, एक कुछ डोजेज होते हैं कि आपको पर डे के हिसाब से कितना लेना चाहिए, आपके हाइट के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, आपकी जेंडर के हिसाब से एक डोज होता है, आपको उतना ही आपको लेना चाहिए। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको आप बताऊंगी कि आपको कौन से पर्टिकुलर कितना डोज आपको जिंक या विटामिन डी, सी या ई का लेना चाहिए। तो चलिए डाइट प्लान की बात करते हैं जिससे आपको काफी हद तक कोरोना से ऊपर उठने की मदद मिलेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह जब आप उठते हैं 7 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। 7 बजे जब उठेंगे तो जो आपकी सुबह की जो शुरुआत होती थी चाय के साथ में, दूध वाली चाय के साथ में, थोड़े दिन के लिए वो आपको बंद करनी पड़ेगी। उसकी जगह आपको क्या लेना है, आपको गर्म पानी, नींबू और शहद, ये मिक्स करके आपको लेना है। सुबह सुबह आपकी विटामिन सी चले जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए, तो ये आप जरूर लें। ये आप अगर आपको पसंद नहीं है तो आप काढ़ा ले सकते हैं, हल्दी का काढ़ा ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर हम बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, आप मिक्स वेजिटेबल उपमा ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, आप रागी और ओट्स का डोसा जो मैंने आपको बता रखा है कैसे बनाना है आप वो जरूर लीजिए, बहुत कार्ब्स होता है। तो इस अगर ये मिक्स मिली जुली सब्जियों के साथ में आप पोहा या उपमा ये सब अगर आप अगर खाते हैं तो सुबह सुबह मिनरल्स और विटामिन्स आपकी बॉडी में जाएंगे और वो आपको ताकत देने का काम करेंगे। ध्यान रखिए ब्रेकफास्ट में एक मुट्ठी भर के आप नट्स और सीड्स जरूर खाएं, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और जिंक स्पेशली आपकी बॉडी में जाएगा जिससे रिकवरी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं, जब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे तब आधे घंटे बाद में जरूर छोटा मोटा प्राणायाम जरूर करें, ज्यादा वर्जिश वाला, ज्यादा स्ट्रांग वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि थकाने वाला वर्कआउट अभी आपको नहीं करना चाहिए। तो छोटा थोड़ा बहुत टहल लें, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लें, ब्रीदिंग प्राणायाम कर लें, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मोटा वर्कआउट कर लिया उसके बाद में 11 बजे के करीब आपको एक बाउल भर के फ्रूट्स खाने हैं, मिक्स फ्रूट्स, या अगर आपको एक फ्रूट भी खाना है तो उसमें से आप एप्पल खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, आप अंगूर खाइए, आप संतरा जरूर खाइए, ये सब विटामिन सी की भरपूर ये भरपाई कर देंगे। तो जरूर से आप फ्रूट्स चाट खाइए, आप साथ में जूस ले सकते हैं, अगर आपको चाट पसंद नहीं है फ्रूट चाट तो आप जूस भी ले सकते हैं। और जरूर से याद रखिए कि आपको नट्स और सीड्स जरूर ही खाने हैं। तो ये हो गया, अब है लंच की बारी। तो 1 से 2 के बीच में लंच कर लीजिए जिसमें 2 मल्टीग्रेन रोटी आपको जरूर खानी है, प्लस ग्रीन वेजिटेबल, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, लौकी है, तुरई है, अभी गर्मी है तो ये बहुत अच्छी आ रही है,
या पालक भी अगर आपको आपके सिटी में मिल रहा है अभी तो आप जरूर लीजिए इसको। हरे धनिए की चटनी आप जरूर खाइए साथ में, दाल और राइस, और साथ में एक प्लेट भर के सलाद लीजिए। सलाद में आपके क्या होना चाहिए, ककड़ी, टमाटर, गाजर अगर मिल रही है बहुत अच्छा है, गाजर ले लीजिए, बीटरूट जरूर लीजिए। बीटरूट मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जो मैंने अभी बनाया था उसमें भी बताया था कि नाइट्रेट होता है जो ऑक्सीजन की पावर को बढ़ा देता है, बहुत अच्छे से ब्रीद आती है, तो जरूर आप लीजिए। इससे पहले आप जरूर वो वीडियो भी देखना, बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अच्छा, अब आपने जब लंच कर रहे हैं तो साथ में बटर मिल्क भी ले सकते हैं, थोड़ा सा लीजिए पर जरूर आप लीजिए। अब बारी है शाम को 4 बजे के करीब, आप शाम को 4 बजे के करीब अगर आप अदरक की चाय पीना चाहते हैं, क्योंकि किसी किसी को आदत होती है चाय के बिना वो नहीं रह सकते हैं, तो बिल्कुल थोड़ी सी अच्छी अदरक, स्ट्रांग अदरक डाल के आप चाय ले लीजिए। अदरक के बिना आप रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप लेमन टी ले सकते हैं, हर्बल टी भी ले सकते हैं, पर साथ में छोटा मोटा कुछ जरूर खाएं। अदरक की चाय ले रहे हैं तो 2 मल्टीग्रेन बिस्किट ले सकते हैं आप उसके साथ में, और लेमन टी या ये सब आप ले रहे हैं तो साथ में मखाना खा लीजिए, मुरमुरा खा लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस समय आपका स्वाद बिल्कुल खराब हो चुका है तो आपको कुछ चटपटी चीज ये पसंद आएगी, मखाने की नमकीन वगैरह। तो ये हो गया। अब डिनर में आप जरूर ध्यान रखिए कि प्लीज 8 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा बोल रही हूँ, 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए, ताकि रात को पचने तक के लिए भी समय मिल सके। खाना थोड़ा सा लाइट ले लीजिए, मिक्स वेजिटेबल दलिया ले लीजिए, मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी ले लीजिए, या अगर रोटी खाने की इच्छा है तो आप 1 रोटी या 2 रोटी खा सकते हैं प्लस ग्रीन सब्जी के साथ में, प्लस आप ले लीजिए सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप लीजिए, बहुत ज्यादा ताकत देगी ये आपको, मिनरल्स विटामिन सी सब जाएगा आपके एक बार में, और ये सब लेने के बाद में आपको थोड़ा सा चहलकदमी करनी है, थोड़ी सी आपको वॉक करनी है, और रात को 10 बजे के पहले पहले जरूर सो जाइए। लेट नाइट आपको जागना बिल्कुल भी अभी सही नहीं है, क्योंकि आपका शरीर को अभी आराम की जरूरत है, तो रात को सोते समय आप जरूर से हल्दी का दूध पी के सोइए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हल्दी का दूध का के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो ये सब आप करिए। आप इसी तरीके से अपने खाने का रूटीन फिक्स कर लेंगे तो जल्दी ही बहुत अच्छे पोषक तत्व आपके शरीर तक पहुंचेंगे और आपको रिकवरी में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। यही रूटीन रखिए, जल्दी से आप ठीक होंगे। अब मेन कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो दिन में एक बार हल्दी का दूध आप जरूर पीजिए, काढ़ा जरूर पीजिए। इस समय क्या होता है कि जो कोरोना का मरीज है उसका स्वाद थोड़ा बिगड़ जाता है, निगलने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो ठंडा बासी बिल्कुल भी नहीं खाएं, थोड़ा नरम खाना बनाएं और बिल्कुल फ्रेश खाना बनाया हुआ हो वो ही आप खाएं। सुबह का पड़ा हुआ शाम को बिल्कुल भी नहीं खाएं, उससे तकलीफ हो सकती है, निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है। छोटा मोटा प्राणायाम आप जरूर करिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूं, मैं बैठा हूं, उससे और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो छोटा मोटा प्राणायाम जो मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी मैंने वीडियोज में आपको बहुत सारा बता रखा है कि आपको छोटा मोटा प्राणायाम कैसे करना है, आपको लंग्स में ऑक्सीजन अच्छे से जाए उसके लिए आपको क्या क्या प्राणायाम करने हैं, तो जरूर करिए। और हाँ, पूरे दिन हाइड्रेट रहने के लिए पानी जरूर पीजिए, लेमन जूस भी आप पी सकते हैं, जूसेस भी आप पी सकते हैं, तो पूरे दिन हाइड्रेट रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस इतना सही आज के वीडियो में, प्लीज जरूर अपनाएं, जल्दी से ठीक होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरीके से